आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नई फेसबुक प्रोफाइल पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं। कमेंट्स, इज इट करेक्ट? यस। हमारा जो आज का लेसन है वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम डेली लाइफ में गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसकी वजह से हमारा दूसरों के सामने मजाक बन जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि उन वर्ड्स को कैसे सही प्रोनाउंस करके आपको अपने आप को एक अच्छा स्पीकर दिखाना है। मैं अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ उस वर्ड के बारे में जिससे मैंने अपना ये लेसन स्टार्ट किया था। द वर्ड वॉज कॉमेंट, नो कमेंट। आज से आपको कमेंट नहीं बोलना है, आपको बोलना है कॉमेंट। यस, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कॉमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज सैंडविच। यस, सैंडविच, नो सैंडविच। यहाँ पर जो ये डी है इसको आपको यूज नहीं करना है। यू हैव टू से सैंडविच। आई हैव मेंशन हियर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, इसकी मदद से आप इसको बोलना अच्छे से सीख सकते हैं। द प्रोनाउंसिएशन इज सैंडविच। स्पीक आफ्टर मी, सैंडविच। यस, आई हैव अ सेंटेंस फॉर यू। आई लाइक क्यूकम्बर सैंडविचेस। Cucumber, yes, this is also a word which we are using wrong. Yes, cucumber nahi hota hai, it is cucumber, jisko hum khira bolte hain. Aur agar aap sandwiches ko plural use kar rahe hain, to aap yahan par sandwiches bolenge na ki sandwich. Next word we have is Wednesday. Yes, यहाँ पर भी आपको इस डी को यूज नहीं करना है, इसको नहीं बोलना है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो बोलते हैं वेडनेसडे। यस गाइस, ये बिल्कुल गलत है। यू हैव टू से वेंसडे। हियर इज अ सेंटेंस फॉर यू। दिस वेंसडे इज अ हॉलीडे। इस बुधवार को हॉलीडे है, अवकाश है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्लमर। यस, यहां पर भी आपको बी को यूज नहीं करना है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लमर। वो जो हमारी टैप्स लगाता है बाथरूम की, किचन की, हम उसे प्लमर बोलते हैं, उसको प्लम्बर नहीं बोलते हैं। बी इज नॉट यूज्ड इन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। माय फादर कॉल्ड अ प्लमर टू फिक्स दिस टैप। मेरे फादर ने एक प्लमर को बुलाया है इस टैप को, इस नल को फिक्स करने के लिए, लगाने के लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हैंडकरचीफ। यस, इट इज हैंडकरचीफ। नो हैंडकरचीफ गाइस, आपको हैंडकरचीफ नहीं बोलना है। इसका मतलब सभी को पता होगा, इसका मीनिंग होता है रुमाल। और आपको हैंडकरचीफ नहीं बोलना है आज के बाद। आज के बाद आपको बोलना है हैंडकरचीफ। यस, शी वाइप्ड हर टीयर्स विद हर हैंडकरचीफ। उसने अपने आंसू अपने रुमाल से पोंछ लिए। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द गाइस स्पीकिंग मिसप्रोनाउंस। द वर्ड इज रिसीप्ट। यस, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है रिसीप्ट बोलते हुए। हिंदी में इसका मीनिंग होता है रसीद, और इंग्लिश में होता है रिसीप्ट, ना कि रिसिप्ट। नो रिसिप्ट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज receipt. Don't forget to call to get a valid receipt from the shopkeeper. एक valid पुख्ता, जिसको आप कहते हैं, एक पुख्ता रसीद लेना आप ना भूलें किसी भी shopkeeper से, किसी भी दुकानदार से। So guys, in English you have to say receipt and in Hindi it is receipt. आज से no receipt. So here is our next word, which is sachet. Yes, sachet. Pronunciation is sachet, not sachet.
हेयर टी इज साइलेंट, आप इस टी को नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्पेलिंग में यूज करेंगे, बट दिस टी इज साइलेंट, और इसका मतलब होता है पोटली या थैली। आपको पाउच में टमेटो केचप, शुगर, ये सब कुछ छोटे छोटे सैशे में मिलता है, जो उसके लिए हम ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो हियर इज अ सेंटेंस फॉर यू, प्लीज पास मी अ सैशे ऑफ शुगर, कृपया मुझे एक शुगर की थैली या पोटली पास करें। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेजिटेबल, यस राइट, इट इज वेजिटेबल। हियर दिस ई वी हैव टू इग्नोर, हम इस ई को प्रोनाउंस नहीं करने वाले हैं, हम बोलेंगे वेजिटेबल, जिसका मतलब आप सभी को पता है सब्जियां होता है। सो देयर इज अ सेंटेंस, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे, हमें हर दिन हरी सब्जियां खानी चाहिए, यस हमें खानी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। आर नेक्स्ट वर्ड विच इज वेरी फेवरेट, इवन माई फेवरेट ऑल्सो, और आजकल ये बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, वर्ड इज पिज्जा, यस द वर्ड इज पिज्जा। यहाँ पर हम हल्का सा साउंड डी का देते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है पिज्जा ना कि पिज्जा, मोस्टली बहुत सारे लोग मैंने सुना है बोलते हैं पिज्जा, तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वी हैव टू यूज हेयर दैट इज पिज्जा, हल्का सा आपको ज का साउंड देना है, और लास्ट में यहाँ पर इसको जब आप दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पिज्जा ऐसा कुछ साउंड आपको सुनाई देगा। द सेंटेंस वी हैव इज माय ब्रदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ पिज्जा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ज्वेलरी, यस इट इज नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता है, ये होता है ज्वेलरी, प्रोनाउंसिएशन वी हैव इज ज्वेलरी। सो लेडीज की तो ये फेवरेट होती है, जिन्हें ज्वेलरी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप जरूर यूज कीजिए। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, लेडीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, लेडीज को बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं ज्वेलरी पहनने की। एंड इसी के साथ हम हमारे लेसन के लास्ट वर्ड पर आ चुके हैं, and our last word is handsome, yes the word is handsome, no handsome, यहाँ पर भी ये हमारा जो d है ये silent है, हम इसको pronounce नहीं करने वाले हैं। handsome का मतलब है जो बहुत ज़्यादा good looking man होता है, ये word basically male के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, जो good looking man होता है उसके लिए हम ये word handsome use करते हैं, जिसका मतलब होता है smart, छैला भी आप कह सकते हैं, रूपवान भी आप कह सकते हैं। सो हियर इज अ सेंटेंस, ही इज अ हैंडसम बॉय, वो एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, रूपवान लड़का है, पुरुष है। सो आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन वेरी नाइसली, अब आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में, अपनी डेली लाइफ में सही प्रोनाउंस करेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप यू गॉट दिस लेसन, इफ इट वॉज हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी देयर विद सम न्यू एंड हेल्पफुल वीडियोज, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।